नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अब सभी लोग जुड़ गए होंगे और सेशन को शेयर भी कर दिया होगा। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए, आशा करती हूँ ईमानदारी के साथ आपने शेयर कर दिया होगा। अब विचार पढ़ लेते हैं, क्या होगा आज का विचार। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ये आज का विचार है हमारा और बहुत ही सुंदर विचार है। लाइन बहुत अच्छी हैं, आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए और इनके अर्थ को भी समझना चाहिए। जैसे पक्षी होता है ना, उसे आप कितना भी बांधने की कोशिश करो लेकिन वो रह नहीं सकता ज़मीन पे, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मंजिल जमी नहीं है। जमीन उसकी मंजिल नहीं है, आसमान तक उसे पहुंचना ही है, उड़ना ही उसकी मंजिल है। वैसे ही आपको बनना है। आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत पढ़ के ये नहीं सोचना है कि बस मिल गई मंजिल भाई, यहीं तक है हमारा। ऐसे नहीं करना है आपको। क्या करना है आपको, थोड़ा थोड़ा रोज इकट्ठा करना है। और आपको क्या करना है, आपकी मंजिल यहाँ नहीं है, आसमान बहुत ऊंचाई पे है और अब आपको वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, अपने उड़ान को थोड़ा और ऊंचा कीजिएगा, तब जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। और सफलता आपको प्राप्त करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। ठीक है, पक्षी की हिम्मत देखो, वो इतना छोटा सा होता है और अपने पंखों के माध्यम से ही इतनी ऊंची उड़ान भर लेता है। वैसे ही आपको करना है। ठीक है, चलते हैं अब प्रश्न पे। प्रश्न है हमारा, काठ तथा काट शब्दों के क्रम से अर्थ हैं। क्या अर्थ हैं ये हमें बताने हैं। एक शब्द दिया हुआ है काठ और दूसरा शब्द दिया हुआ है काट। दोनों शब्दों के अर्थ पूछे हैं, ये हमें बताना है इन दोनों शब्दों के अर्थ क्या होंगे। ध्यान रहे, हमसे क्रम से है अर्थ पूछे हैं। लकड़ी तथा काटना, काटना तथा लकड़ी, पेड़ तथा जड़, मारना तथा छड़ी, इन दोनों के अर्थ क्या होंगे क्रम से, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये प्रश्न श्रुति शम भिन्नार्थक प्रश्न में आता है, इसीलिए ही मैंने ये लिया है। श्रुति शम भिन्नार्थक प्रश्न में ये आता है। ठीक है, अब जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए, अच्छा प्रश्न है बहुत, और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है ये वाला प्रश्न। बहुत बड़े बड़े एग्ज़ामों में ये प्रश्न पूछा गया है। आंसर ले लेते हैं क्या होगा। जो शब्द हमारा काट होता है इसका अर्थ होता है लकड़ी, और जो शब्द हमारा काट होता है इसका अर्थ होता है काटना। ठीक है, सब्जी को काटना, किसी चीज़ को काटना, किसी वस्तु को काटना। ठीक है, काठ शब्द का होता है मतलब लकड़ी और काट शब्द का मतलब होता है काटना। तो क्या होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, लकड़ी तथा काटना। आशा करती हूँ सबकी समझ में आ गया होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किस क्रमांक में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन सा सही है। सेम प्रश्न है, आपको ये बताना है कि कौन सा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द सही है अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, किस क्रमांक में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक सही है ये आपको बताना है। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा सही है।
शब्द कुल दिया है और पूछा है हमसे कि किनारा और वंश, ये आंसर होगा इसका। अनल और अनिल दिया है, पूछा है पवन और अग्नि, आंसर होगा। थर्ड है हमारा तरणी, नाव और सूर्य की किरणें, और डी ऑप्शन है हमारा गज, हाथी और माप। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और एक ही प्रश्न में चार पांच प्रश्न समाहित हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत ध्यान से आपको इसे पढ़ना है और बहुत ध्यान से ही आंसर देना है। इस प्रश्न को आप नोट करके लिख लेना, अच्छा प्रश्न है, कभी भी एग्जाम में इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। एक प्रश्न हर एग्जाम में ऐसा आना है और पीछे से आ भी रहा है हर एग्जाम में ऐसा एक प्रश्न, ठीक है। अब आंसर ले लेते हैं क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, कुल। कुल का मतलब क्या होता है? वंश। कुल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो उस कुल का मतलब है वंश, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा लगी है कुल, तो वो क्या हो गया? किनारा। अनल क्या होता है? अनल कहते हैं अग्नि को, अनिल कहते हैं पवन को, ठीक है। अनिल कहते हैं पवन को, अनल कहते हैं अग्नि को। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं हम। तरणी, छोटी की मात्रा वाली तरणी है, सूर्य की किरण को कहते हैं, लेकिन बड़ी की मात्रा वाली जो तरणी है ये नाव को कहते हैं। ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं। गलत कैसे हुए हैं? क्योंकि आंसर तो सही दे रखे हैं लेकिन क्रम गलत है। वंश यहाँ पे होना चाहिए था, तभी तो इस वाले कुल का होता आंसर वंश और इस वाले कुल का किनारा होता, ठीक है। ये ऑप्शन गलत जगह पे दिए हुए हैं, इसीलिए ये तीन ऑप्शन गलत हैं। अब डी ऑप्शन को देख लेते हैं हम। गज, इस वाली गज का मतलब हाथी होता है और नुक्ता वाली जो गज होती है इसका मतलब माप होता है, ठीक है। जो सिंपल गज होता है उसका मतलब हाथी होता है, लेकिन ये जो गज के नीचे एक बिंदी लगी हुई है ना, इसका मतलब होता है नुक्ता, इसे नुक्ता कहते हैं। ये क्या है? हमारी माप। आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन हमारा सही है, ये क्रम से लिखा हुआ है, बाकी सब बिना क्रम के लिखे हुए हैं, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ मैं, डी ऑप्शन हमारा सही है। पहले का आंसर पहला हाथी, दूसरे का आंसर दूसरा माप, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? तरणी, ये सूर्य की किरण, अनल आग को कहते हैं, कुल वंश को कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ये वाला ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था, तब ये सही होता क्रम इसका। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा आपके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कागज शब्द का बहुवचन क्या है? कागज शब्द दिया हुआ है और पूछा है कागज शब्द का बहुवचन होगा, क्या होगा कागज शब्द का बहुवचन? कागजी होगा, कागजात होगा, कागजे होगा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर इसका। आसान प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। ये भी बताना है आपको कागज कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कैसा है ये भी बताना है आपको, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। पहले आंसर ले लेते हैं, कागज का बहुवचन क्या होगा? कागजी नहीं होगा, कागजे नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, कागजात होता है, ठीक है। कागजात पर हस्ताक्षर करने हैं, मुझे कागजात तैयार करने हैं, कागजों तैयार करने हैं या कागजें तैयार करने हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? मुझे कागजात तैयार करते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे कागज हों तो उसको कागजों नहीं बोलते हैं, कागजात बोलते हैं। और ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है कागज, ठीक है।
कागज पर लिखा गया, लिखी नहीं गई, तो ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। शब्द दिया हुआ है नमस्ते और पूछा है इसका सही संधि विच्छेद क्या है। नम धन इस्ते, नमः धन इस्ते, नमः धन इस्ते या नमः धन ते, क्या होगा सही संधि विच्छेद। और ये भी बताना है कि नमस्ते शब्द में कौन सी संधि होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, नमस्ते शब्द में कौन सी संधि होगी ये भी बताना है, और नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ये भी बताना है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा, नमः धन ते, नमस्ते। ठीक है, इसमें कौन सी संधि होगी, विग्रह से ही पता चल गया होगा, विसर्ग संधि होगी। ठीक है, बहुत लोगों का गलत होता है ये प्रश्न, इसको ध्यान से देखना है आपको, विसर्ग संधि होगी इसमें और इसका संधि विच्छेद एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। बताना है हमें भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ है, पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का या आंध्र प्रदेश का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा राज्य ऐसा है जिसका सबसे पहले गठन हुआ था और वो भी भाषा के आधार पर। अच्छा प्रश्न है, जीके में भी आपने ये पढ़ा होगा, अब आपको इसका आंसर बताना है। चलिए आंसर ले लेते हैं, किस राज्य का हुआ भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन, जान लेते हैं। पंजाब का नहीं हुआ भाई, जम्मू कश्मीर का भी नहीं हुआ, राजस्थान का भी नहीं हुआ, डी ऑप्शन हमारा सही है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर सबसे पहले हुआ था। सबसे पहले 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा राज्य के तौर पर गठन किया गया था। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है किस भाषा के आधार पर गठन किया गया था, तो तेलुगु भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण हमें बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, प्रश्न बहुत अच्छा है ये, और आपको ये पता ही है कि वर्णमाला के प्रश्न कितने आते हैं एग्जाम में और वहाँ पे गलत भी हो जाते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष, ये वाले प्रश्न बहुत गलत होते हैं, जिनको आते हैं उनके भी गलत हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जल्दी से इसका आप आंसर दीजिए, ऐसे प्रश्नों को हमें रिपीट करते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए, ताकि ऐसे प्रश्न हम जितने रिवाइज करेंगे वो हमें क्या हो जाएगा, उनका रिवीजन अच्छा और रहेगा हमारा, और हम गलत नहीं करेंगे, फिर देखते ही हमें पता चल जाएगा कि क्या इसका आंसर होगा। चलिए, एग्जाम में प्रश्न वो गलत होता है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होगा आंसर या ये होगा। कंफ्यूज हम तब होते हैं जब हम एक ही बार पढ़ा होता है हमने, लेकिन हम दो तीन बार किसी एक ही चीज़ को पढ़ लें तो क्या होता है, हम उसमें कंफ्यूज नहीं होते, हमें पक्का पता है भाई इसका आंसर यही है। ठीक है, अब ले लेते हैं आंसर क्या होगा। अघोष क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे, जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन ना हो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे हम सबसे पहले कै वर्ग को ले लेंगे, कै खै गै घै और अण। ठीक है, किसी भी वर्ग का, मैंने कै वर्ग लिया है, आप किसी भी वर्ग को ले सकते हैं, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा इनमें से कोई सा नहीं है, एक और नोट करके लिख लीजिए,
तीनों से अघोष वर्ण के अंतर्गत आती हैं। से ये वाली से भी, ये वाली से भी और ये वाली से भी, तीनों से अघोष व्यंजन या अघोष वर्ण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए नहीं होगा, जय नहीं होगा, है नहीं होगा, से होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है और तीनों से अघोष होती हैं। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कैक है गैफ है, मैं कौन सा उर्दू से लिया गया है। ये वर्ण दिए हुए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा उर्दू से लिया गया है। आपको पहचान करके बताना है कौन सा है जो उर्दू से लिया गया है, कै गै फै या खै। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो मैंने अभी पीछे ही बताया है भाई, मैंने अभी पीछे ही बताया है ये। आपने यदि वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप जल्दी से इसका आंसर दे देंगे, वो भी बिल्कुल सही। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? कै जो है ये उर्दू का नहीं है, गै भी नहीं है, फै भी नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही है, खै। जिस वर्ण में वर्ण लिखने के बाद में एक बिंदी लगी हो, ऐसी वाली बिंदी जैसे खै में लगी हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो बिंदी है इसे नुक्ता कहते हैं। मैंने अभी पीछे बताया है, नुक्ता उर्दू शब्द उर्दू भाषा का होता है। ठीक है, जो उर्दू शब्द होते हैं उनमें ही नुक्ता लगता है, नुक्ते से पहचान होता है कि ये उर्दू से लिया गया है। ठीक है, अब कभी आपको नुक्ता वाला शब्द मिल जाए तो उसे आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये उर्दू से लिया गया है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारी हिंदी भाषा में भी कुछ शब्द उर्दू से लिए गए हैं, इसीलिए मैंने इसे लिया है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। खै जो है ये उर्दू भाषा से लिया गया शब्द है। चलिए, प्रश्न है हमारा, जिन शब्दों में अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं। भाई ये जिन गलत लिख गया है, ऐसा होता है जिन। ठीक है, इसकी मात्रा इधर से है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जिन शब्दों में अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अकारांत कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा और आसान प्रश्न है। वैसे तो सभी लोग आंसर सही देते हैं, मुझे लगता है हिंदी बच्चों को अच्छी आने लगी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस प्रश्न का आंसर सभी का सही हो, क्योंकि अच्छा प्रश्न है और आसान भी है। मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो मैंने ये प्रश्न कराया है। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं। अब क्या होगा, अनुस्वार क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। क्या होते हैं अनुस्वार? अंग। ठीक है, जैसे रंग, अंग की बिंदी लगी होती है, अनुस्वार शब्द है। अंगूर, ये भी अनुस्वार शब्द है। ठीक है, अंग की बिंदी को क्या कहते हैं, अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह में अंग और अणे दोनों शामिल होते हैं, मतलब अंग अनुस्वार और विसर्ग दोनों शामिल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। दो वर्ण हैं हमारी हिंदी में, अयोगवाह है, अंग और अणे। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है अयोगवाह कौन से होते हैं, अंतस्थ कौन से होते हैं, ये रे ले वे, ये अंतस्थ होते हैं। ठीक है, खुद ही समझ में आ गया होगा। डी ऑप्शन बचा है, ये क्या होते हैं, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं।
ठीक है, रामदेव, विद्यालय, देश, बालक, ये क्या है? अकारांत शब्द हैं सब। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है भाई हमें, सुमन, नाखून, कौवा या बहाव। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या है तत्सम शब्द? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, तत्सम शब्द का चयन करना है हमें। कौन सा तत्सम है इनमें, ये बताना है हमें। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। तद्भव वो होते हैं जिन्हें संस्कृत से हिंदी में लाके प्रयोग करते हैं, ठीक है, उन्हें चेंज करके प्रयोग करते हैं हिंदी में, लेकिन जो तत्सम होते हैं उन्हें संस्कृत से ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। चलिए अब आंसर ले लेते हैं। बहाव शब्द तद्भव है, कौआ भी तद्भव है, नाखून भी तद्भव है। ए ऑप्शन हमारा सही है। सुमन क्या है? सुमन तत्सम शब्द है। इसका यदि तद्भव देखें तो क्या होगा? फूल होगा। फूल को सुमन कहते हैं भाई तत्सम भाषा में। फूल का पर्यायवाची भी होता है सुमन, ठीक है। तो तत्सम शब्द है हमारा सुमन, सुमन का तद्भव होगा फूल। नाखून क्या है? ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम नख होता है। कौवा क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम काक होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है या उपमेय उपमा अलंकार है? कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। वीति विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। उत्प्रेक्षा होगा, उपमा होगा, रूपक होगा या उपमेय उपमा होगा, क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा अर्थ जान लेंगे। अलंकार के लिए हमें उसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्या है इसका अर्थ थोड़ा ये जानेंगे हम। अंबर पनघट में आकाश को उन्होंने पनघट के समान बताया है। अंबर पनघट, सबसे पहले शुरू से ही ले लेते हैं। बीती विभावरी, विभावरी किसे कहते हैं? रात को कहते हैं भाई। रात बीत गई है और अब जग जाओ, ये बात बोली गई है इसमें। रात बीत गई है और सुबह का वर्णन है। अंबर पनघट में डुबो रही, इसका मतलब है अंबर पनघट में आकाश को उन्होंने पनघट कहा है। अंबर आकाश को क्या कहा है? पनघट कहा है, ठीक है। और फिर कहा है तारा घट उषा नागरी, उसमें तारा रूपी घटकों यानी एक मटके को उषा नागरी क्या कर रही है? प्रातकालीन रूपी नायिका डुबो रही है, ठीक है। नायिका का यहाँ मतलब क्या है? नागरी का, नागरी का यहाँ मतलब चतुर से है, ठीक है। इसका अर्थ ये है, सही शब्दों में, नायिका इतनी चतुर है कि वह अंबर रूपी पनघट में तारों रूपी घट को डुबो रही है। सीधे सीधी अंबर में पनघट का और तारा में घट का भेद रहित आरोप है इसमें। तारा में घट का और अंबर में पनघट का भेद रहित आरोप, जिसमें भेद रहित आरोप होता है उसमें क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किसमें होता है? रूपक अलंकार में होता है, ठीक है। यहाँ तुलना नहीं है भाई, तुलना नहीं है, यहाँ क्या है? भेद रहित आरोप है। अंबर अंबर पनघट
अंबर में पनघट का, अंबर पनघट को ही आकाश कहा है यहाँ पे, और तारा में घट का भेद रहित आरोप है, बिल्कुल भी भेद नहीं है। अंबर को ही पनघट कहा है और तारों को ही घट कहा है, ठीक है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा आपको, रूपक अलंकार है इसमें, कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, चित्रलेखा किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है भाई चित्रलेखा। यशपाल की है, भगवती चरण वर्मा की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, अमृतलाल नागर की है, किसकी है ये रचना? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है भाई, बहुत एग्जाम में पूछी गया प्रश्न है ये। चलिए, वैसे हमें कोई बताता है ना कि ये प्रश्न एग्जाम में आया है तो हम विश्वास नहीं करते। हम विश्वास कब करते हैं? जब हमारे सामने वो प्रश्न आ जाता है, ठीक है, जब हम उस प्रश्न से गुजर जाते हैं, तब हम उस पर विश्वास करते हैं कि हाँ भाई ये प्रश्न आया है एग्जाम में। लेकिन जिस समय तक आप गुजरोगे, उससे पहले आपको बहुत सारे प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आप ये बाद में ना बताओ कि भाई ये हमारे में आया था, हमने गलत कर दिया। पहले ही पढ़ लो, ताकि आप ये कहो ये हमारे एग्जाम में आया था, हमने सही किया था, मैम ने पढ़ाया था हमें। बी ऑप्शन हमारा सही है, भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। क्या है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, चित्रलेखा की विधा क्या है? उपन्यास है भाई चित्रलेखा। प्रश्न है हमारा, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ बताना है। मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना, या अनुभवी होना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर तो भाई सभी का आना चाहिए, और सही आना चाहिए। चलिए आंसर ले लेते हैं भाई, क्या होगा इसका आंसर? मारा मारा फिरना नहीं होगा, शिक्षा ग्रहण करना भी नहीं होगा, तीर्थ यात्रा भी नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, अनुभवी होना। क्या होगा? अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना, ठीक है। जो हमसे बड़ी उम्र के हैं, हमारे दादा हैं या हमारी दादी हैं, वो हमसे अक्सर कहते रहते हैं भाई हमने घाट घाट का पानी पिया है। उनका मतलब यही होता है कि वो हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। ऐसा नहीं है कि वो हर घाट पे जाके हर घाट का पानी पी के आए, नहीं, उनका मतलब होता है कहने का, हम तुमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, हमने घाट घाट का पानी पिया है, ठीक है, अनुभवी होना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ है? तीन शब्द ऐसे दिए हैं जिनका अर्थ एक ही है, एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक शब्द अलग है। आपको बताना है कौन सा अलग है, आभूषण, नागर, जेवर या अलंकार, कौन सा अलग है ये आपको बताना है। तीन शब्द एक ही अर्थ के हैं, बाकी एक अलग है। जो अलग है वो आपको चुनना है। चलिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न ये भी आसान है और अच्छा प्रश्न है। आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? आभूषण, जेवर, अलंकार एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। आभूषण, जेवर और अलंकार, आभूषण के ही पर्यायवाची हैं जेवर और अलंकार, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही है, नागर किसे कहते हैं? नागर दो चीज़ों का पर्यायवाची होता है, चतुर जो होता है उसे भी नागर कहते हैं हम, चतुर, चतुर स्त्री हो, चतुर पुरुष हो, उसे क्या कहते हैं हम? नागर कहते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में सभ्य, नम्र और श्रेष्ठ, उसे भी हम नागर कहते हैं, ठीक है। ये दोनों ही अर्थ हैं, और दोनों ही अर्थों में किसी भी अर्थ से आभूषण का कोई लेना देना नहीं है इससे। तो क्या है, यहाँ पर ये अर्थ भिन्न है, बी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? विषाद, जुगुप्सा,
निर्भेद या हास, क्या स्थाई भाव नहीं है, ये हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा ऐसा है इसमें जो स्थाई भाव नहीं है किसी का भी, और बाकी जो ऑप्शन है वो स्थाई भाव हैं। यदि हैं तो ये बताना है किसके स्थाई भाव हैं। खुद लिखने से ज़्यादा अनुभव होता है, और खुद जो लिखते हैं वो हमें याद रहता है। जब हाथ दिए हैं भगवान ने तो प्रयोग किया करो उनका, कमेंट किया करो। जुगुप्सा किस रस का स्थाई भाव है, निर्भेद किस रस का स्थाई भाव है, हास्य किस रस का स्थाई भाव है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। विषाद किस रस का स्थाई भाव है। चलिए आंसर ले लेते हैं हम। हास्य हास्य रस का स्थाई भाव है, निर्भेद शांत रस का स्थाई भाव है, जुगुप्सा विभत्त रस का स्थाई भाव है, लेकिन विषाद जो है ये किसी भी रस का स्थाई भाव नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही है, स्थाई भाव नहीं है, ये हमसे पूछा था, चोरी पकड़ी गई है। विषाद जो है ये किसी भी रस का स्थाई भाव नहीं है। विषाद का अर्थ क्या होता है ये भी जान लेते हैं। निराशा, दुख, खेद, ये इसके अर्थ होते हैं। विषाद वैसे उसको कहते हैं ऐसा दुख जो हमेशा रहता है, उसे हम विषाद कहते हैं। ठीक है, विषाद ऐसा दुख होता है जो हमेशा रहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में पुरलिंग का चयन कीजिए। पुरलिंग शब्द हमें देखना है कौन सा है, रात है, सांस है, मूर्खता है या मोती है, कौन सा शब्द पुरलिंग है। कौन सा शब्द पुरलिंग है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। रात, सांस, मूर्खता या मोती, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आपको पता ही है पुरलिंग, स्त्रीलिंग, बहुवचन, एकवचन, ये तो एग्जाम में आते ही हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। आपकी हिंदी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जाम में आप देखते ही ऑप्शन लगा दें, ताकि और सब्जेक्ट को करने के लिए आपको अच्छा टाइम मिल सके। आप हिंदी को करने से सबसे पहली बात है, हिंदी अच्छे करने का बहुत सारे आपको लाभ हो सकते हैं। हिंदी आपकी अच्छी होगी तो एग्ज़ाम में आपका स्कोर भी अच्छा बढ़ जाएगा। बहुत लोग कहते हैं, ऐसे होते हैं जो हिंदी को नहीं पढ़ते हैं, और क्या होता है उनका स्कोर हिंदी की वजह से नीचे हो जाता है। सबसे पहली बात तो यह है, हिंदी आसान होती है और जल्दी समझ में आ जाती है, इससे स्कोर जल्दी बढ़ता है, क्योंकि अच्छे खासे प्रश्न आते हैं हिंदी के हर एग्ज़ाम में। दूसरी बात ये होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी ही आ रही है और कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा। जब हमें हिंदी अच्छी आती होगी तो हम क्या होगा, हिंदी को जल्दी कर लेंगे, बाकी सब्जेक्ट को करने के लिए हमें टाइम मिल जाएगा, तो उस टाइम में हम बाकी जो सब्जेक्ट हैं जो हमें कठिन लगते हैं उनको टाइम दे दे के अच्छे से कर लेंगे। कई सारे फायदे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हम इसका आंसर ले लेते हैं। रात हो गई, भाई ये तो स्त्रीलिंग है, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। सांस निकल गई, ये भी भाई गलत हो गया, ये भी स्त्रीलिंग है। मूर्खता, मूर्खता दिखती है भाई, दिखता नहीं है, शब्द पुरलिंग जैसा लग रहा है हमें मूर्खता, लेकिन क्या है, स्त्रीलिंग है भाई, ये भी मूर्खता दिखती है, उसमें बहुत मूर्खता दिखाई देती है। क्या है ये, पुरलिंग स्त्रीलिंग शब्द है। डी ऑप्शन, मोती, मोती क्या है, पिरोया जाता है, पिरोई नहीं जाती, माला बनाई जाती है। यदि यहाँ पे माला होता तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन मोती है तो मोती पिरोया जाता है। डी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है। अल्पविराम चिन्ह आपको बताना है इनमें से कौन सा है। चिन्ह आपके सामने हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप स्वतंत्र हैं ऑप्शन लगाने के लिए। ए लगाइए, बी लगाइए, सी लगाइए, डी लगाइए, ए बी सी डी सब लगाइए। यहीं पर आप स्वतंत्र हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो यहाँ भी क्यों, आप तो एग्ज़ाम में भी स्वतंत्र रहते हैं,
ऑप्शन लगाने के लिए, गोले काले करने के लिए भी स्वतंत्र रहते हैं, जो चाहो कर दो गोला काला। चलिए अब क्या करते हैं, इसका आंसर ले लेते हैं। अल्पविराम का चिन्ह कौन सा होता है? अरे अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम कहने लगे किसी को अभी रुको मैं चलता हूँ, यहाँ हम अल्पविराम लगाएंगे, हमने थोड़ा रोका है भाई किसी को, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ये वाला चिन्ह हमारा किसका है? अल्पविराम का है। आपको चिन्ह ऑप्शन देख लो आप, सी ऑप्शन वहाँ पे दिख रहा होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है, वहाँ पे अल्पविराम का चिन्ह लगा हुआ है। ये वाला जो चिन्ह है हमारा बी ऑप्शन वाला, ये अर्धविराम का चिन्ह है। डी ऑप्शन वाला चिन्ह जो है ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, और ए ऑप्शन वाले भैया को आप जानते ही होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। अतिथि, अनागत, अनाहूत, अयाचित। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिसे बुलाया ना गया हो, खुद ही आया हो बेचारा, उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनमें क्या होता है, हम ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे इनमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, अनागत और अनाहूत, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, लेकिन थोड़ी देर की बात है भाई, कंफ्यूजन दूर होने वाला है। कंफ्यूज तब तक ही रहते हैं जब तक ऑप्शन की डिटेल नहीं मिलती, डिटेल मिलते ही कंफ्यूजन दूर हो जाता है। थोड़ा धैर्य के साथ बैठा करो, धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अतिथि, इसका अर्थ जान लेते हैं, जिसके आने की तिथि ना हो। अतिथि कभी भी आ जाते हैं जो हमारे घर, उनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, उन्हें कहते हैं अतिथि। कभी भी आ जाते हैं, और नाम कितना अच्छा रखा है उनका, अतिथि। अतिथि जिनका, जिनके आने की तिथि निश्चित ना हो। अनागत किसे कहते हैं? जो ना आया हो, मतलब आपने किसी को इनविटेशन कार्ड दिया है वो नहीं आया, उसे कहेंगे हम अनागत। भाई वो नहीं आया हमारे यहाँ शादी में, वो क्या है, राम रमेश की शादी में नहीं गया, राम क्या है रमेश के लिए अनागत है, जो ना आया हो। अनाहूत मिल गया, सी ऑप्शन हमारा सही है, अनाहूत। अनाहूत कहते हैं जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक है। अनागत उसे कहते हैं जो ना आया हो, अपनी मर्जी से नहीं आया वो, और जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत, ठीक है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शुद्ध वाक्य चुनिए। भाई शुद्ध वाक्य हमें चुनना है, कौन सा शुद्ध है? 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो, पंडित जी को दक्षिणा दिया गया, आपका दर्शन करने आए थे, वे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे, कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। शुद्ध वाक्य हमें बताना है कौन सा है, किसी भी दृष्टि से अशुद्ध हो सकता है भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा। अच्छा प्रश्न है बहुत, थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसे प्रश्न को करने में, क्योंकि सारे ऑप्शंस पढ़ने होते हैं और उनका थोड़ा सा अर्थ भी निकालना होता है कि मतलब कहाँ मिस्टेक हो सकती है। वैसे तो पढ़ने से ही पता चल जाता है कौन सा गलत है, लेकिन यहाँ चल जाता है पढ़ने से पता, एग्ज़ाम में नहीं चलता। एग्ज़ाम में तो हमें सभी सही लगते हैं, ऐसे लगते हैं ये भी सही है भाई, ऐसे भी हो सकता है। चलिए अब क्या करते हैं, आंसर ले लेते हैं। पहला पढ़ के देखते हैं, 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो, ये तो भाई गलत है। कैसे गलत है अब ये देख लेते हैं। 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो, ये थोड़ी ना होता है, 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करो। 10 हैं तो आदमी थोड़ी ना होगा, 10 तो
आदमियों होगा भाई, 10 आदमियों, ठीक है, 10 आदमी नहीं होगा, एक आदमी होता है, 10 तो आदमियों हो जाते हैं, 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करो। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पंडित जी को दक्षिणा दिया गया, पंडित जी को दक्षिणा, यहां तक तो सही है, दिया गया होता है या दी गई होती है, स्त्रीलिंग होती है दक्षिणा भाई, दी गई होती है, ठीक है, दिया गया नहीं होता, पुरलिंग नहीं होता, दक्षिणा स्त्रीलिंग होती है, ठीक है, स्त्रीलिंग होती है भाई दक्षिणा, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे, दिया गया नहीं दी गई हो गया। आपका दर्शन करने आए थे, क्या ये सही है, आपका दर्शन करने आए थे, गलत है भाई, कैसे गलत है, आपका दर्शन करने नहीं आए थे, आपके दर्शन करने आए थे, दर्शन क्या है, बहुवचन है, बहुवचन में प्रयोग होता है दर्शन, तो आपका नहीं होगा आपके होगा, आपके दर्शन करने आए थे, डी ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल, वे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे, वैसे भी मिश्र वाक्य है भाई ये, की लगा हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न है हमारा हंस पत्रिका के संपादक का नाम है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम हमें बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, राजेंद्र यादव या अमृत राय, हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मुझे नहीं पता, पता होता तो मैं पहले ही बता देती। चलिए आंसर ले लेते हैं, अब क्या होगा, ऐसे प्रश्नों में समय लगता ही नहीं है, ऐसे प्रश्नों में सोचने की जरूरत ही नहीं होती है, यदि आता है तो ठीक है, ना आता तो भैया गई भैंस पानी में, फिर तो गलत होना ही है। चलिए जयशंकर प्रसाद नहीं होगा भाई, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, प्रेमचंद्र, ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, प्रेमचंद्र है, दिल्ली से प्रकाशित होने वाली ये पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित हुई थी ये पत्रिका, और ये पत्रिका मासिक पत्रिका है, कई बार ये भी पूछा गया है कि हंस पत्रिका कैसी पत्रिका है, साप्ताहिक नहीं है ये, मासिक पत्रिका है, ठीक है, और इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो पत्रिका है ना हंस पत्रिका, इसका बाद में प्रकाशन हुआ था वो किसने किया था, राजेंद्र यादव ने किया था बाद में, लेकिन पहले हंस पत्रिका का संपादक प्रेमचंद ने किया था, बी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है ये, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा, क्या विलोम होगा महात्मा शब्द का, ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, महात्मा शब्द का विलोम बताना है आपको, क्या होगा महात्मा शब्द का विलोम, दुष्ट होगा, दुर्जन होगा, दुरात्मा होगा या पापी होगा, आसान प्रश्न है आपके लिए, कल के लिए होमवर्क में एक प्रश्न है, आपको ये बताना है कि महात्मा शब्द में समास कौन सा होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई ये, आपको कमेंट करना है और बताना है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा, ठीक है, सभी को कमेंट करना है, मैं सभी का कमेंट पढ़ूंगी, ठीक है, महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा, ये आपका कल का होमवर्क है, अभी के लिए आपको महात्मा शब्द का विलोम बताना है, दुष्ट नहीं होगा, दुर्जन नहीं होगा, पापी नहीं होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है, दुरात्मा, महात्मा महान आत्मा और दुरात्मा बुरी आत्मा, ठीक है, दुष्ट और दुर्जन ये क्या है, ये तो समानार्थी हैं, दुरात्मा जो है वो महात्मा का विलोम होगा। आपको सेशन अच्छा लगा होगा ऐसी आशा करती हूँ मैं, इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।